उज्जैन के तराना में बुजुर्ग दंपति को बेटे बहू ने झगड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची बुजुर्ग महिला ने जिला कलेक्टर आशीष सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि बेटा और बहू उसे खाना नहीं देते हैं, बार बार घर से निकाल देते हैं और झगड़ा करते हैं। बुजुर्ग दंपति ने आरोप लगाया कि उनके मकान और दुकान पर छोटे बेटे और बहू ने जबरन कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग महिला का नाम सुमित्रा देवी और उनके पति का नाम अमरदेव कालरा है, जो कि तराना के बस स्टैंड क्षेत्र में रहते हैं। और कोई बात भी नहीं होती, मैं बेटी से बात करती तो मेरे टेप करते और भगवान के आगे मेरे को झुकाते कि माफी मांग, मेरे आगे हाथ जोड़ ऐसे बोलते मेरे को, मेरी ऐसी ये बहू करती थी। और बेटा आँख देख के निकलता था, खाना दो तीन दिन नहीं दिया। मैंने खुद ने एक पतला सा ऐसे मेरे हाथ धोते बनाया, ने इन्होंने सेका और मेरे को दिया छोटी सी। क्या करा उन्होंने आपके साथ में? मेरे साथ बस ऐसे ही घर से निकाल दिया उन्होंने। दो दिन खाना नहीं दिया तो बेटे को फोन लगाया, ये बड़े वाले को, तो इसने किसी को बोला कि खाना मम्मी को दे जा, तो वो आए ने एक रोटी दे के, मैं खाती इतनी थी, वो दे गए ने, मैंने खा के सोई। तो सुबह इनको बुला लिया, भाई मेरे को अब धक्के दे रही है तो कहाँ जाऊँ, तो फिर ये लेके आए। ये रात भर से झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद में कुछ भूखे पेट भी रही, बाद में खाना और कहीं से मंगा खाया और सुबह देखो फिर झगड़ा शुरू हो गया। छोटे लड़का प्रकाश ने, प्रकाश नाम है उसका, छोटे लड़का प्रकाश, और फिर हमको हमसे बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, और रहना हो तो सबसे संबंध तोड़ना पड़ेंगे, दीदी से, भाई से और उनसे, विशेष से। क्या प्रॉपर्टी विवाद है? क्या है प्रॉपर्टी विवाद है? क्या चाहते हैं वो? कि हमारी जो दुकान और किराना दुकान, दो दुकानें और तीन कमरे मकान हैं, ये हम हमारे इसके नाम सुमित्रा के नाम से है और इसको हम वापस देना चाहते हैं। हमको कब्जा उन्होंने कर प्रकाश ने कर रखा है। फिलहाल जिला कलेक्टर ने इस मामले को प्रॉपर्टी विवाद का मामला बताया है, जो कि न्यायालय में ही सुलझाया जा सकेगा। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।